Hello guys, a warm welcome to you all on my channel God's Glory by Sukmani. How are you all? I hope आप सब अच्छे होंगे. आज की रीडिंग का टॉपिक ये होने वाला है कि इस वक्त आपके पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, हाउ इज दिस पर्सन फीलिंग अबाउट यू, उनके माइंड में क्या चल रहा है आपको लेकर, वो सारी ही चीज़ें मैं चेक करूंगी इस रीडिंग में. सो जुड़े रहिए और अगर आप नए हैं इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उससे एनर्जी एक्सचेंज होता है, आपको सही गाइडेंस मिल पाता है. जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, आप अपने पर्सन के बारे में सोच सकते हैं इस वक्त आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स, उनकी एनर्जी आपको लेकर क्या है. ओके, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन आपको लेकर. Let us take few cards. Seven of Swords, the Judgment, Nine of Wands, the Fool, and Temperance. मुझे गाइज ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन डेफिनेटली आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं. परेशान क्यों? क्योंकि उन्होंने आपसे झूठ बोले हैं कुछ और आपको क्लैरिटी नहीं दी है, जिसके कारण से हो सकता है कि आप उनके साथ बात नहीं कर रहे हो, या फिर बात कर भी रहे हो तो उतने सही तरीके से बात नहीं हो रही है. ये आपको बात बार बार परेशान कर रही है, कुछ चीज़ें आपको ट्रबल कर रही हैं जिसके बारे में उनको पता है. तो ये चीज़ उनको भी कहीं ना कहीं सता रही है कि उन्होंने आपसे झूठ बोला, उन्होंने आपसे काफ़ी चीज़ें छुपाई हैं, आपको क्लैरिटी नहीं दी है. ये सारी सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिख रही है. आई ऑल्सो सी कि अब आपके पर्सन आपसे मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं. ये दूर से भी आपको देख रहे हैं, आपको आपके क्लोज आने की कोशिश कर रहे हैं, आपके पास आने की कोशिश कर रहे हैं. इनको डर सता रहा है कि आप कहीं दूर ना चले जाओ इनसे, ये रिश्ता ख़त्म ना हो जाए, आपका प्यार ख़त्म ना हो जाए. और ये बिल्कुल भी आपसे दूर नहीं जाना चाहते हैं, आपको अपने आप से दूर नहीं करना चाहते हैं. क्योंकि यहाँ पर देखिए, द नाइन ऑफ वॉन्स का कार्ड है जो हमको बता रहा है कि स्टक हो गए हैं आपके ऊपर. दिस पर्सन इज़ रियली स्टक ऑन यू एंड ही इज़ हुक टू यू, ही और शी इज़ हुक टू यू. ये आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं ये आपको लेकर, और आपके बिना भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं. मतलब जैसे इस पर्सन को आप चाहिए ही चाहिए हो. इनको समझ नहीं आता है कि आपके बिना ये ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे. तो ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है. और साथ में ये पर्सन सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हैं. एक न्यू बिगिनिंग, आई कैन फील जैसे रिन्यूअल होगा, रिलेशनशिप का रिवाइवल होगा, न्यू ब्लेसिंग्स आर कमिंग इन फॉर यू. ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपकी तारीफ करना चाहते हैं, आपसे अपनी दिल की बात करना चाहते हैं, वो सोल कनेक्शन को मेंटेन करना चाहते हैं. दिस इज़ व्हाट आई फील फॉर यू. आई ऑल्सो सी जैसे इस पर्सन की एनर्जी आपको लेकर बैलेंस हो रही है, राइट? इस पर्सन की एनर्जी आपको लेकर बैलेंस हो रही है, क्योंकि यहाँ पे जो टेम्परेंस का कार्ड है हमको ये बता रहा है कि ये पर्सन इमोशनली बैलेंस हो रहे हैं. इनके मन में आपके लिए वो पॉजिटिविटी भी है, और वो आपको जैसे बहुत थैंक्स बोलना चाहते हैं. मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो आपको आपको दिल से थैंक यू बोलना चाहते हैं कि तुमने इतना किया मेरे लिए, आई एम रियली रियली ग्रेटफुल टू यू. मतलब ऐसी फीलिंग इनके अंदर से मैं जैसे देख पा रही हूँ, समझ पा रही हूँ कि आई एम रियली थैंकफुल टू यू, तुमने मुझे इतना प्यार दिया, मेरे लिए इतना केयर किया. शायद मैं कितनी भी वो छोटी छोटी चीज़ें मैंने करी होंगी, बट तुमने एक ऐसी चीज़ कर दी है मेरे लिए जो कि जिसका मैं शुक्रिया अदा कभी नहीं कर सकता. तुमने मुझे मेरी लाइफ दी है, तुमने मुझे मेरा सुकून दिया है, तुमने मुझे प्यार दिया है. आप देखो यहाँ पर एनर्जी बैलेंस हो रही है, राइट? जैसे कि यहाँ पर एक बड़ा सा बॉल और यहाँ पर ये जो चार बॉल्स हैं, है ना? तो एक ऐसा आपने एक चीज़ ऐसी कर दी आपने कि वो चारों पे भारी पड़ गई. मतलब चाहे कितने भी इनके लाइफ में कोई भी पर्सन है, कोई कितना भी इन्होंने कुछ भी किया, बट आपने जो इनके लिए किया है वो हमेशा ज़्यादा और बड़ा ही रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है. और ये पर्सन भी अब इन रिटर्न आपके लिए करना चाहते हैं, सिचुएशन को बैलेंस करना चाहते हैं, एंड ये आपके पास वापस आना चाहते हैं. आपसे अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, आपकी पर्सनालिटी से अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं. ये पर्सन इस रिलेशनशिप के लिए रिस्क लेना चाहते हैं, ये पर्सन आपके आगे सरेंडर करना चाहते हैं, जैसे बोलना चाहते हैं अब मैं तुम्हारा हो गया हूँ, तुम्हें जो मेरे लिए ठीक लगता है वो करो, तुम्हें जो मेरे लिए अच्छा लगता है वो करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मुझे जो भी सज़ा दोगी मुझे मंजूर है, मेरे को मेरी गलती का पछता है, मैं ग्रेटफुल हूँ तुम्हारी हर एक उस चीज़ के लिए जो तुमने मेरे लिए इस रिश्ते के लिए
किया है, राइट। ऐसी एनर्जी में ये पर्सन मुझे दिख रहे हैं और डरे हुए हैं, थोड़ा कंफ्यूजन भी है क्योंकि इन्होंने झूठ बोला है, बट अब ये रिश्ते को बेहतर करने के बारे में सोच रहे हैं, अच्छा करने के बारे में सोच रहे हैं, राइट। अब हम ये देख लेते हैं गाइस, और क्या हमें पता चल रहा है आपके रिलेशनशिप को लेकर, और क्या होने वाला है आगे इनकी फीलिंग्स में, और क्या हमको दिख रहा है, क्या चेंजेस हैं इनकी फीलिंग्स में, इमोशंस एंड टेंशंस, क्या कह रहे हैं आगे, क्या करने वाले हैं ये पर्सन। प्लीज़ गाइड अस डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू। होप, चाहे ये पर्सन स्टक हैं, चाहे ये पर्सन अटके हुए हैं, चाहे ये पर्सन इनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, ये बिल्कुल एक ऐसे हालात में है, या इनकी सिचुएशन इतनी बुरी हो सकती है, या इस तरीके से हुई हुई है जहाँ पर कि ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं, बट होप है इनके मन में, आज भी होप है कि ये रिश्ता आगे जाएगा, ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। वो प्यार है, वो केयर है, वो सपोर्ट है आपके लिए, और कुछ भी है, कैसी भी सिचुएशन है, बट होप है, ऐसा मुझे दिख रहा है। जैसे ये पर्सन बहुत होपफुल है इस रिलेशनशिप को लेकर, और इन्होंने होप ख़त्म नहीं करी है, इनको पता है आज नहीं तो कल हमको मिलना ही है। सोल्जर, दिस पर्सन इज़ गेटिंग रेडी टू फाइट फॉर दिस रिलेशनशिप, के तैयार हो गए हैं जंग के लिए इस रिलेशनशिप से, जो भी प्रॉब्लम है उनको दूर करने के लिए, और इस रिलेशनशिप के लिए लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है इस पर्सन में। वो फाइटिंग स्पिरिट जो थी ना, वो गायब हो गई थी, जैसे क्विट कर दो, जाने दो, छोड़ो, ऐसी एनर्जी इनकी हमेशा से रही है, है ना, एस्केपिस्ट रहे हैं ये पर्सन। पर अभी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन लड़ेंगे इस रिश्ते के लिए, लड़ेंगे और हार नहीं मानेंगे, तो वो होप अभी भी है और ये इस रिश्ते के लिए लड़ना चाहते हैं। प्लेजर सीकर्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में एक तो अट्रैक्शन मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है, सेक्शुअली ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो सकते हैं आपके साथ, और कुछ ऐसे लोग हैं आपके रिलेशनशिप में जो शायद मज़े ले रहे हैं इस रिश्ते के, रिश्ते का मजाक बना रहे हैं, या फिर फ़ायदा उठा रहे हैं, या बीच में आके प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, या फिर जो दूर से बैठकर तमाशा देख रहे हैं, ऐसी एनर्जी भी हो सकती है, तो इन लोगों से आपको बचकर रहना है। एंड आई नीड टू मोर कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। वाओ, लव, सो Angels are actually blessing you with a lot of positivity, love in your life, luck, abundance and success. आप देखिए इस कार्ड को, कितना ही खूबसूरत कार्ड है जो हमको बता रहा है सक्सेस के बारे में। सक्सेस है आपके रिलेशनशिप में, लव है आपके रिलेशनशिप में, आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। ये पर्सन को होप है, ये लड़ेंगे, उन सब लोगों को दूर करेंगे जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, और इस रिश्ते को लेकर इनको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी। तो प्यार आने वाला है आपकी लाइफ में। कुछ लोग जो सिंगल हैं उनको भी कोई पर्सन मिल सकता है। ओल्ड वुमेन, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई औरत ऐसी हो सकती हैं जो कि आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हो, सकता है वो आपसे बड़ी हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है आप दोनों के बीच में भी एज गैप हो सकता है, राइट, जिसके कारण से कोई ऐसा पर्सन है जो कि आप दोनों को साथ नहीं होने दे रहा है, या कोई ओल्ड वुमेन ऐसी हैं जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो रही है, दोनों में से कोई एक चीज़ हो सकती है। सो आप देखिए आपके केस में क्या है। एंड बॉटम ऑफ द डेक मुझे हाउस का मैसेज है यहाँ पर, जो हमको ये बता रहा है कि डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप के अंदर सिर्फ वो प्यार ही नहीं होगा, आप एक सपनों का अपना घर बनाओगे, दोनों साथ में कुछ बहुत ब्यूटीफुल क्रिएट करने वाले हो। आपने हमेशा से सोचा है कि हमारा घर होगा, हमारी फैमिली होगी, हम ब्लेसिंग्स होंगे, बच्चे होंगे, खूबसूरत सा एक घर होगा जहाँ पे हम दोनों रहेंगे, और वो डेफिनेटली मुझे दिख रहा है, घर आपके लिए मुझे दिख रहा है। आप एक घर बनाओगे अपना जहाँ पे आप दोनों रहोगे, खुशी खुशी रहोगे, और बहुत जल्दी ऐसा होने वाला है आपकी लाइफ में। दिस इज़ व्हाट आई सी फॉर यू। एंड What else we have? मैं देख लेती हूँ आपके लिए क्या गाइडेंस मैसेज आ रहा है। आपके लिए गाइडेंस मैसेज क्या आ रहा है, आपको क्या करने के लिए कहा जा रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, वन मैसेज फ्रॉम दिस टेक, थैंक यू, थैंक यू। The best way to predict future is to create it. आप देखिए कितना ही खूबसूरत मैसेज है। बेस्ट वे क्या है फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने का, उसको क्रिएट कर लीजिए। तो जो चीज़ आपके
आपको यहाँ पर कही जा रही है वो ये है कि आपने अपनी किस्मत को खुद बनाना है. यू हैव टू क्रिएट योर डेस्टिनी, यू हैव टू क्रिएट योर फ्यूचर बाय पुटिंग इट ऑल द हार्ड वर्क एंड गुड एफर्ट्स. जब तक आप अपने रिलेशनशिप के अंदर एफर्ट्स नहीं डालोगे, आप जब तक उसके लिए मेहनत नहीं करोगे उसको क्रिएट करने के लिए, तब तक मुझे लग रहा है कि कुछ यहाँ पर नहीं हो सकता है. और एंजल्स आपके साथ हैं, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बिलीव मी वो आपके आसपास हैं. आपको 444x4444 बहुत दिखता होगा. हो सकता है आपकी गाड़ी का नंबर हो या फ़ोन नंबर में आता हो 444x4444 या आपका 44 हो सकता है, घर का नंबर हो, ऐसा भी दिख रहा है. 44 यहाँ पे नंबर मुझे इम्पोर्टेंट दिख रहा है. कुछ लोगों का डेट ऑफ बर्थ मुझे 4th ऑफ एनी मंथ दिख रहा है, 13th और 22nd, या फिर ऐसा हो सकता है 8th, 17th और 26th ऑफ एनी मंथ मुझे दिख रहा है. ये डेट्स आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकती हैं. एंड यहाँ पर मुझे आपके लिए यही मैसेज आया है कि अगर अपना फ्यूचर आपने बनाना है और जानना है कि फ्यूचर में क्या होगा, तो क्रिएट करिए उसको, एफर्ट्स डालिए उसके लिए. आप क्रिएट कर सकते हैं अपने डेस्टिनी को अच्छे कर्मास करके, अपने ऊपर काम करके, राइट. ये आपके लिए यहाँ पर मैसेज है. आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी. अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा उन सब लोगों के साथ जिनको ज़रूरत है, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ. और मेरे दूसरे चैनल को जाकर भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. एंड मिलती हूँ एक और रीडिंग के साथ. और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जनरल रीडिंग्स होती हैं, आपके साथ रेजोनेट कर भी सकती हैं, नहीं भी. अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं, टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं, तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. बाय.